हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम तीन देवियाँ उपस्थित हुई हैं। आज हरितालिका तीज है और आप सभी लोगों को तीज की बहुत बहुत बधाई। ये पर्व नॉर्थ में मनाया जाता है और इसका बहुत महत्व है। और ये पर्व हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। तो तीज के एक दिन पहले हम लोग नहा खा करते हैं। उसमें हम लोग अच्छे से अपना सिर को धो के शैम्पू करने के बाद नहा के और फिर खाना खाते हैं। और जब रात होता है तो हम लोग खूब सारा पकवान बनाया जाता है, जैसे पूड़ी पुआ और खस्ता सब्जी, जितना भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं और वही सब हम लोग खा के फिर व्रत करते हैं। तो तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, उसमें हम लोग खाना और पानी कुछ भी नहीं लेते हैं और ये पति की लंबी आयु के लिए होता है। दोस्तों, ये सबसे पहला व्रत पार्वती जी ने अपने शिव जी को पाने के लिए किया था और उन्होंने बहुत ही तपस्या किया और बिना जल के और पत्तों बिना जल और बिना खाना खाया व्रत किया था, तो उनको शिव जी मिले थे। तो भी से ये प्रथा चली आ रही है तीज का और इसका बहुत महत्व है। रात में औरतें सोती भी नहीं है, गाना बजाना होता है और बहुत अच्छा लगता है। नया नया साड़ी मिलता है, पति गिफ्ट देता है अपनी बीवियों को नए तीज के लिए, तीज के दिन। तो ले दे के मतलब बहुत ही खुशहाल रहता है तीज का व्रत और पता नहीं चलता है कि हम लोग खाना खाए भी नहीं हैं, भूखे हैं। तो आज तो हमारे फ्लैट में भी मिट्टी का शिव पार्वती जी बनाए जाएंगे और वहीं पे हम लोग पूजा करने जाएंगे। उसके बाद फिर मंदिर भी जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे करते करते समय व्यतीत हो जाता है और पता नहीं चलता है कि हमने तीज का व्रत किया है, लेकिन खुशी बहुत रहती है कि तीज आने वाला है, मेहंदी लगाना है, पकवान बनाना है, ये सब करते करते टाइम पास हो जाता है और अच्छा लगता है दोस्तों। और फ्रेंड्स, जितना भी श्रृंगार होता है हम सभी का, मांग टीका, नथिया और ये मेकअप का जो भी सामान होता है, अल्ता, नेल पॉलिश, चूड़ी, जितना भी था सब हम लोग उस दिन पहनते हैं। ऐसा नहीं कि हार पहने तो मांग टीका नहीं पहना, तो वो सब हम लोग एकदम अच्छे से, जैसे कि शादी में जैसे दुल्हन तैयार होती है। जैसे कि कहा जाता है कि इस दिन औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, तो समझ जाइए दोस्तों औरतों का 16 श्रृंगार पूरा किया जाता है। ये इसको हम लोग सिनोरा बोलते हैं और इसी सिनोरा से आज हम लोग सिंदूर लगाते हैं। पहली बार सिंदूर पति ने इसी में से निकाल कर लगाया था। जब भी आते हैं हम लोग पूजा करके तो इसमें सिंदूर डालते रहते, तो ये भरा ही रहता है दोस्तों। तो पहली बार पति इसी से सिंदूर लगाता है, तो तीज के दिन भी हम लोग इसी से आज सिंदूर करेंगे और फिर खुशबू जो है मंग टीका भी पहनेंगी। मेरे को तो बहुत शर्म आती है दोस्तों। पहनेंगी नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, मेरे को मंग टीका नहीं पहन, शर्म आती है मुझे, लेकिन खुशबू जरूर पहनेंगी। आप लोग जरूर देखिए, तो ये इसको सिनोरा कहा जाता है दोस्तों। खुशबू का सिनोरा तो बहुत ही खूबसूरत है और मेरा भी सिनोरा बहुत खूबसूरत है। उसमें मेरा जिस दिन शादी हुआ था वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, आज के दिन इसकी बहुत याद आती है। ये फ्रेंड्स, ये सिनोरा है, इसी से जो हस्बैंड होते हैं वो शादी वाले दिन इससे सिंदूर करते हैं और जब भी छठ पूजा होता है, तीज त्यौहार होता है, तो इसी से हम लोग सिंदूर लगाते हैं और इसको बहुत ही संभाल के रखते हैं। ऐसा नहीं कि इसको कहीं भी रख दे, बहुत ही केयर करके रखना पड़ता है सिंदूरा को। और फ्रेंड्स, सुबह से ही तीज के दिन जितनी भी औरतें जो करती हैं तीज का व्रत, वो सुबह से ही निर्जला व्रत रहती हैं, कुछ भी नहीं खाना पीना रहता है। जिस दिन नहा खा होता है उसी रात को सरगही भी
करना बहुत जरूरी होता है। तो खुशबू जी ने सगाई की है, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे का मतलब एक जगह कंफर्म करना पड़ता है कि सगाई का टाइमिंग कब है, क्योंकि थोड़ा भी इधर का टाइमिंग नहीं होना चाहिए। जैसे इस पर मैंने पता कि अपनी बहन लोगों से गांव में कई चाची जी लोगों से, तो उन्होंने बताया था कि 3:30 के अंदर आपको खा लेना है जो भी खाना है, जिससे जो हम पूरा दिन व्रत करते हैं तो वो थोड़ा सा ठीक रहे, तबीयत भी ना खराब हो। और सगाई का जो वो एक होता ही है कि वो आपको करना ही है, तो मैंने नारियल पानी पापा से मंगवा लिया था और 2 केले था, तो कोई नहीं उठा था, अकेले बैठ कैसे खा ली अच्छे से ग्लास। और दोस्तों 2 रसगुल्ला भी खाइए दोस्तों। और अभी फ्रेंड्स हम लोग को मेहंदी भी लगाना है, अलता लगाना है, और जितना भी बताया ही कि 16 श्रृंगार जो करते हैं तो वो सब अभी हम लोग को रेडी भी होना है। 4 बजे 5 बजे साथ पूजा होगा घर में पहले करके, फिर फ्लैट में जितनी भी बगल में लेडीज रहती हैं सब एक जगह इकट्ठा होंगे और वहाँ पे ढोलक वोलक बजेगा, कथा होगा। बहुत औरतें मंदिर में भी चली जाती हैं, पंडित जी कथा कह देते हैं, लेकिन हमारे अपार्टमेंट में ही लेडीज जो है वो साथ में मिल के इकट्ठा करती हैं, अच्छा भी लगता है। और देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे आप एक दिन व्रत करके, ऐसे आप एक दिन बिना खाए रख के देखिए तो आपको तबीयत मतलब लगे कि नहीं रह सकते हैं, लेकिन तीज ऐसा त्यौहार है जो बिना खाए को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उस दिन पूरा मेकअप वेकअप में सब खुश रहते हैं कि शाम को पूरा 16 श्रृंगार एकदम दुल्हन की तरह लोग तैयार होते हैं, चाहे वो कितने साल की भी लेडीज क्यों ना हो, 60 साल की हो, 70 साल की हो या 20 साल की हो, सब एकदम फुल मेकअप में ही रहती हैं। तो मैं अभी शाम को रेडी होकर आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। और उस दिन नया साड़ी पहनना होता है और जो भी मेकअप का सामान होता है, लिपस्टिक होता है, बैंगल्स होते हैं, जैसे नेल पॉलिश हो गया, वो सब एकदम नया नया ही रहना चाहिए। तो ये सब हम लोग पहले ही खरीदारी करके रख चुके हैं अपने लिए, तो शक्ति होती है इसीलिए हम लोग ये पर्व अच्छे से कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स इधर मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे कंटिन्यू वीडियो डालने का, क्योंकि ये समीक्षा रानी जो है इनका एग्जाम भी होते रहता है, तो सबसे पहले समीक्षा का पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक मजबूत रहेगा तो फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इसलिए मैं वीडियो भी आजकल नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू वीडियो अपना डालते रहने की। और समीक्षा का जो है वो एग्जाम चल रहा है, समीक्षा उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स भी लाती हैं, है ना छोटो? ऑनलाइन क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन समीक्षा को उसी में पढ़ाना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है समीक्षा को ज़्यादा, है ना छोटो? और समीक्षा के भी हाथ में मेहंदी लगेगा, अच्छे से मेहंदी लगेगा। और दादी भी आई हैं, और दादी को भी हम लोग, दादी करती थी पहले व्रत, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो अब 1 साल से छोड़ी हुई है, लेकिन दादी को भी शाम को हम लोग अच्छे से रेडी कर देंगे, और फिर शाम को तो देखेंगे कि हम लोग कैसा किस तरह से रेडी हो रहे हैं। पति का व्रत करते हैं और अपने पति से कथा सुनते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। खुशबू के ससुर जी आए हुए हैं तो कथा हम उन्हीं से सुनेंगे, और फ्लैट में भी नीचे पूजा है तो वहाँ पर भी जाएंगे, और थोड़ी देर के लिए मंदिर का भी दर्शन करेंगे, थोड़ा सा अर्चना वगैरह कराते हुए फिर घर पे आएंगे। आज के दिन दोस्तों कोई भी औरत सोती नहीं है, गाना बजाना रात भर चलता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्त। और फ्रेंड्स शादी से पहले लड़कियां सोचती है कि पता नहीं इसका पति कैसा होगा, मानने वाला होगा या फिर नहीं मानने वाला होगा, तो अगर अच्छा पति मिल जाता है तो और अच्छा लगता है, और क्या चाहिए लाइफ में, एक अच्छा पति मिल जाता है तो हम लोग तीज इसलिए भी करते हैं कि जो हमारा पति है वो 7 जन्म, जैसे कहते हैं कि 7 जन्म होता है, हर 7 जन्म में यही पति बन के ही हमारे रूप में आए। जो खुशबू कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, पति लोगों का पता नहीं कि हम लोग को पति रूप में स्वीकार करना चाहे या नहीं चाहे, लेकिन हम लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। पार्वती जी से हम लोग यही मांगते हैं कि जैसे माँ है वो चाहेंगे कि पापा जो है वो हर जन्म में उनके पति के रूप में मिलेगा, कि पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। और समीक्षा के जो पापा है वो भी, मैं चाहूंगी कि यही हम हर जन्म में वो मेरे पति के रूप में मिले। और मनीष जी का शादी हो जाएगा नवंबर में, तो स्वाति जो आएगी वो अगले साल से वो भी 30 करेगी, तो हम 3 लेडीज हो जाएंगे घर में 30 करने के लिए। शादी की तैयारी भी चल रही है, कल ही स्वाति के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदा के आया, अभी उसका ज्वेलरी खरीदाना बाकी है और साड़ी वाड़ी की शॉपिंग करना बाकी है, तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है।
और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो कंटिन्यू करते रहने का। आज तीज का दिन था इसलिए मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, काम कितना भी रहे, लेकिन आज का वीडियो ज़रूर डालूंगी मैं, क्योंकि आज के दिन अलग ही खुशी रहती है। क्योंकि ऐसे तो लोग मेकअप देखते ही वीडियो में, हम लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, नॉर्मल से टॉप लेगिंग्स में ही रहते हैं, बट आज के दिन थोड़ा सा रेडी होकर रहने में अच्छा नहीं है। दोस्तों आज का भी वीडियो सूट पहन के ही बनने वाला था, मैंने बोला नहीं आज साड़ी पहन ही लो खुशबू, तो आज साड़ी पहनी है, देखिए कितनी अच्छी भी लग रही है, साड़ी भले ही पुरानी है लेकिन खुशबू अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स बस ये चीज का त्यौहार है, बस हम लोग अभी मेहंदी लगाना है और भी बहुत सारे काम बाकी है। खाना पीना सवेरे बना के हटा दिया था क्योंकि फिर इसमें लग जाऊंगी फिर खाना पीना में भी लेट हो जाएगा, और टाइम से भी खाना चाहिए सबको, तो खाना पीना पहले बना के हटा दिया। दोस्तों कल 9 तारीख को पूरा हम लोग फास्ट रहेंगे और 10 तारीख को सुबह में हम लोग इसका व्रत तोड़ते हैं, और व्रत काला चना बनाया जाता है, काला चना खूब अच्छे से बनाया जाएगा, और जो भी सारा सब्जी सब चीज़ बनेगा, कढ़ी चावल काला चना पूड़ी जो भी है सब खूब अच्छे से बनेगा, और तब हम लोग उसको खा के व्रत को तोड़ेंगे। और फ्रेंड्स हमारे घर में शुरू से होता है कि चावल जो होता है कच्चा चावल को धो के मैं उसको सवेरे में ही धो दी है और अच्छे से सुखा के और मिक्सी में पीस के और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल के मुझे सुबह सबसे पहले हम लोग पहले उसको मुंह में लगाएंगे, मुंह में लगा के तभी व्रत तोड़ते हैं, व्रत तोड़ेंगे, व्रत तोड़ते उसके बाद फिर खाना पीना पे हम लोग खाना पीना खाते हैं। तो दोस्तों कल में पार्टी ही समझ लीजिए, कल पकौड़ा रहेगा, कढ़ी चावल और जो भी चीज़ें हैं खूब अच्छे से बनेंगी, और हम लोग उसके बाद व्रत तोड़ेंगे, तो ले दे के मनोरंजन ही है। तो ऐसे एक दिन अगर आप बिना पानी के रह के देखिए तो आप नहीं रह पाएंगे, लेकिन तीज ही ऐसा खुशबू को थोड़ा ध्यान से देखिए, बिना पानी और खाने के है लग रही है, लेकिन ये खुशी का त्यौहार है दोस्तों, इसीलिए ऐसा फेस पे ग्लो आ जाता है क्योंकि पति का नाम हमारे साथ जुड़ जाता है। हम भगवान के शुक्र गुजार भी हैं जो इस जन्म में जो पति मिले हैं बहुत ही अच्छे मिले हैं, और पापा जो है चाहे समीक्षा के पापा के मनीष जी हैं, ये लोग एक पति के रूप में बेटे के रूप में बाप के रूप में बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा खुशी मिलता है कि लक्की है हम लोग जो ऐसे पति मिले हैं हम लोगों को, भगवान सबको ऐसा पति दे। इस घर के पति बहुत अच्छे हैं दोस्तों, लाजवाब। तो फ्रेंड्स जैसा कि आज तीज दोस्तों की जैसे कि आप जानते हैं कि आज तीज है, तो खुशबू तो बिना गाना गाए रहेंगी नहीं, और उस वो मुझे भी लपेटे में लेंगी, तो शुरू हो जाओ। तो फ्रेंड्स हर सुहागिन के लिए मैं ये गाना जरूर गाऊंगी, तीस का दिन है और खुश भी है हम लोग, तो जरूर मैं गाना गाए बिना तो रहूंगी नहीं, तो गाना प्लीज। माँ भी मेरा साथ देंगी फ्रेंड्स, आता तो नहीं है लेकिन जो जैसा भी आता है वो सब मैं गाने की कोशिश करूंगी, आपको अच्छा लगे। खुशबू बहुत सुरीली है, इनके आगे मैं क्या गाना गाऊंगी। नहीं नहीं फ्रेंड्स माँ मेरा साथ जरूर देंगी, जैसे राखी में साथ दी थी। प्यार मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए, हाय सा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, हाय सी जोड़ी बन जाए, तोरे सीना टूटे छोड़े सीना छूटे, ऐसी बंध जाए ऐसी बंध जाए, प्यार मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी की जैसी जोड़ी बंध जाए, ऐसी जोड़ी बंध जाए। आज के दिन शिव पार्वती जी को खूब अच्छे से सजाया जाता है, और उनको 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 फूलों की माला पहनाई जाती है, पान का पत्ता कसैली और जितने भी फल होते हैं दोस्तों, जितना फल मिल जाए आम केला अमरूद जो भी मिलता है वो सब फल ला के, और ड्राई फ्रूट हो गया वो ड्राई फ्रूट मिठाई और सब चीज़
करके उसके बाद जितने भी सामान है सुहाग के, जैसे कि कंघी हो गया, बिंदी, सिंदूर और आईना, अलता जितना भी मतलब सुहागन का सामान है वो सब हम लोग छूते हैं और पंडित को दान में देते हैं। दोस्तों तो पहले भगवान को चढ़ाएंगे, उसके बाद सुबह में जब व्रत तोड़ने की बारी आएगी तो उसको हम छू छू के और पंडित को जाके देख के आएंगे। और इसमें हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कहीं गलती से हम लोग पानी ना पी लें, जैसे कि सबों को खाना खिलाना है और खुद ना खा लें, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे मुंह में मतलब कुछ ना जाए। आज समीक्षा का फ्रेंड जब भी खाना खिलाती थी मैं पहले टेस्ट करके देती कहीं गर्म तो नहीं है, लेकिन इस समय मैं अपना मुंह बना बंद करके रखती हूँ, गलती से भी एक दाना भी चला जाएगा तो आपका व्रत टूट टूट जाता है। तो दोस्तों एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं मंदिर गई थी पूजा करने और पंडित जी ने मुझे हाथ में गंगा जल दे दिया और मुझे याद नहीं था कि मैंने व्रत किया हुआ है, तो जैसे ऐसे मुँह में लेके आए तो मेरे हस्बैंड बोले अरे तुम्हारा व्रत है, तो फिफ्थ मैंने उनको दे दिया। कभी-कभी दिमाग से निकल जाता है, निकल जाता है। कितने लोगों ने तो अचार निकाला और फिर चाट लिया। तो व्रत जिंदगी में एक ही बार इसको उठाते हैं और इसको कंटिन्यू किया जाता है दोस्तों, तो बार बार इसको उठा के हम लोग नहीं करते हैं। एक बार अगर ये व्रत टूट गया तो फिर दोबारा इसको हम लोग नहीं कर सकते। मेरी शादी को 5 साल होने जा रहे हैं लेकिन मैं 30 का व्रत जो है वो 3 बार ही की हूँ, ये 3रा साल है मेरा। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो था वो समीक्षा होने वाली थी और सितंबर में 30 भी था, सितंबर में समीक्षा भी होने वाली थी, तो डॉक्टर ने मना किया था कि इस वक्त कोई भी व्रत ना करे। और सेकेंड टाइम मलमास आ गया था, उस समय शायद नहीं कोई भी जो नया व्रत उठाते वो नहीं उठाते हैं, वो साल अच्छा नहीं होता फिर, तो इसलिए मैंने नहीं उठाया था। फिर 2019 में उठाया था मैंने ये व्रत। और फ्रेंड्स उस साल से हम लोग मैं ये व्रत कर रही हूँ। और फ्रेंड्स इसमें ये भी होता है कि अगर एक बार अगर आप व्रत उठा रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये व्रत समीक्षा के टाइम नहीं उठाया था, 2 साल बाद उठाया था, शादी के 2 साल बाद मैंने ये व्रत उठाया था। तो अब से मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है। पहले सोचती थी कि फर्स्ट टाइम मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब ऐसा हुआ था कि उस टाइम टाइमिंग होता है सरगई का कि सुबह की सरगई खाना है या नहीं खाना है, तो उस साल सरगई का वो टाइमिंग नहीं था, पंडित जी ने बोला था कि इस साल सरगई का टाइमिंग नहीं पड़ा है। तो जैसे 12 बजे उसके बाद मुझे थोड़ा सा घुटन होने लगी थी कि एक दिन बिना पानी के मैं कैसे रहूंगी, थोड़ा सा दोस्तों लग नहीं रहा था कि खुशबू व्रत कर पाएगी, लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा है और खुशबू बहुत अच्छे से व्रत कर रही है और भगवान करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर इससे मुझे घुटन हो रही थी 12 जैसी बजे रात का, तो घुटन हुई थी कि सगाई भी नहीं है फिर कैसे बिना पानी का रहूंगी, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा जैसे 11 बज जाता नाश्ता करने में 12 बज जाता तो थोड़ा सा हेडेक होने लगता कि हाँ जैसे 5 दिन से समीक्षा क्लास है 10 से 11 तो चाय पी के मैं बैठती, अगर लेट भी हो गया 11:30 भी हो गया तो कोई बात नहीं चाय पी हूँ, लेकिन 30 के टाइम वो समय कुछ नहीं लगता, लगता कि हाँ एकदम हंसते खेलते माँ से बात करते करते काम भी करना है तो ऐसा कुछ नहीं रहता, तो अच्छा लगता है। पहला साल थोड़ा सा लग रहा था कि कैसा होगा व्रत बिना पानी के एक दिन कैसे रहूंगी, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक है। और हम लोग आप लोगों से इस समय इसलिए बातें कर रहे हैं, पता है रात में हम लोग बात करने के लायक रहेंगे भी कि नहीं जरूर रहेंगे, ऐसा कोई भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं तो ठीक है बात कर ले रहा है, रात में भी बात कर लेंगे अगर होगा तो। दोस्तों तन मन और धन से व्रत किया है तो जरूर सफल होगा और मन में विश्वास हमेशा रखना चाहिए, तो दिल से किया व्रत हो ही जाएगा। तो चलिए इस साल अच्छा भी है कि पापा भी आए हैं, अभी तक ठीक है तो आगे भी ठीक ही रहेंगे। और फ्रेंड्स पापा जो है वो 10 को चले जाएंगे, 9 आज 30 है तो 10 को चले जाएंगे, लेकिन अच्छा बात ये कि पापा भी साथ में है, तो 30 त्यौहार में पूजा अगर कुछ त्यौहार होता है उसमें हस्बैंड वाइफ साथ में तो अच्छा लगता है, तो माँ को भी अच्छा लगता है इस साल की पापा भी साथ। खुशी इस बार दुगनी है कि पति देव घर में ही है और कल उनको जाना है, तो बहुत अच्छा। Thank you.
बेचारा केले के बिजन की खराबी जो आता है उसको उंगली करते हैं बेचारा केला। और फ्रेंड्स अब शाम के 5 बज गए हैं और मैं माँ जो है वो रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए और घर में सभी फैमिली मेंबर जो है वो भी रेडी हो गए पूजा करने के लिए। समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का कारण किया पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। जब उसी समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी मैंने आपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मैं इसी तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव जी के स्वामी ब्रह्मादिक सन का दिक प्रेतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडलु और त्रिशूल धारी मैया और त्रिशूल धारी सुखकारी प्राण बाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय हर हर महादेव। ओम शिव ओंकारा प्रभु से शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा उज्ज्वल सिर दो नैना चंद्र बदनी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कली
दोस्तों अभी घर पे पूजा हो गया है, भगवान पार्वती जी को सारा श्रृंगार का सामान हमने चढ़ा दिया, फल फ्रूट मेवा सब कुछ चढ़ाने के बाद हम लोग मंदिर गए, और मंदिर जाने के बाद सभी लोगों के नाम से हमने अर्चना करा दिया और अब घर आ चुके हैं। पूजा हो चुकी है और सुबह 4 बजे उठ के फिर पूजा करेंगे। जो साड़ी हम लोग पहनते हैं उसी साड़ी में, उसी साड़ी के आंचल में लेके वो जो चावल को पीस के चीनी डाल के जो बनाया जाता है, सबसे पहले उसको ग्रहण करेंगे और फिर आरती वगैरह करने के बाद चूरन को ग्रहण करेंगे और उसके बाद से हम अपना व्रत खोलेंगे और उसके बाद से जो मन है वो खाएंगे। और अब हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, बस अब खाना जाके बनाना है। और देख सकते हैं भगवान का ऐसा असर रहता है, जो हम लोग ठीक हैं भगवान की दया से, क्योंकि एक दिन बिना पानी के रहना मुश्किल है सब लोगों के लिए। दोस्तों मैंने कहा था ना खुशबू मंग टीका पहनेंगी, और मैं पहन चुकी हूँ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये मैंने अपने एंगेजमेंट की रिंग भी पहनी है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। तो जो भी शादी का जो हम लोग ने चुनरी पहना था वो सब हम लोग के शादी का था, हम लोग ने वही वोट के शादी में जो चुनरी पहना था वही चुनरी था, शादी वाला चुनरी था। और हार जो हम लोग पहनते हैं ये सब शादी का ही रहता है, मतलब बताया था कि जो एक दुल्हन जैसे तैयार होती है तो वैसे हम लोग तैयार होते हैं तीज के दिन। तो एक एक्साइटमेंट भी रहता है कि तैयार होना है, अच्छे से रेडी होना है। और देख सकते हैं हाथों में मेहंदी, और यहाँ पर मैंने नाम भी लिखा है, अभी लिखा है, और माँ का नाम पापा का नाम माँ के हाथों पे भी लिख दिया है। दोस्तों समझ लीजिए लिखा हुआ है ना। और देख सकते हैं मैंने ये भी HIS करके लिखा है। तो मेहंदी लगाने में तो मास्टर नहीं है, लेकिन जैसे भी एक मेहंदी एक शगुन के तौर पे हम लोग ने थोड़ा थोड़ा विध भी कर लिया। और देख सकते हैं और ये भी मैंने पहन लिया है, ये डरकस है। और माँ का देखिए माँ भी अच्छी लग रही हैं। तो बस एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ तीज है आने वाला है। और जब देखिए तीज के मौके पे खुशबू ने अपने लिए ये लॉकेट बनवाया है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले छोटा लॉकेट था, अभी बड़ा बना लिया है। और दिखा ये जो चेन है, इनका मुँह दिखाई में जो पैसा मिला था उसका मैंने बनवा दिया है। और हार है, कान का डिज़ाइन दिखा, मतलब ले दे के खुशबू बहुत ही स्वीट लग रही है, सुंदर लग रही है। और इसी के साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिए, और अब जा रहे हैं खुशबू खाना बनाने के लिए। तो सभी लेडीज हो जितने भी, आप सभी को हैप्पी तीज। और जितने भी लेडीज हो जितने भी एज की हो, सब कोई इसी तरह 16 श्रृंगार करके एक दुल्हन की तरह रेडी होते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं, फिर सुबह का भी दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग पारण करते हैं, उसका भी दिखाऊंगी कैसे हम लोग सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम करके फिर पारण करके फिर जल्दी से कुछ मुँह में लगाते हैं, पानी वानी पीते हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी फ्रेंड्स। अब मॉर्निंग के बज रहे 4 और मैमा उठ के सुबह सुबह नहा लिए हैं, और आरती जो है वो मैमा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स पार्वती जी को जो हम लोगों ने श्रृंगार का सामान चढ़ाए थे वो सब छूके हम लोगों को पंडित जी को देना होता है। और फ्रेंड्स यहाँ चावल का चूरन जो होता है उससे हम लोग अपना व्रत खोलते हैं। तो यहाँ मैं और माँ जो है वो पूजा करने के बाद उससे अपना व्रत खोल रहे हैं।
दोस्तों, तीज का पारण हो रहा है और खुशबू भी प्लेट लेके बैठी हुई है, पकौड़ा और उपमा खा रही है। व्रत के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। मुझे तो उपमा ही पसंद आता है व्रत के बाद, तो उपमा और पकौड़ा मिल गया है और चाय भी बन रहा है। पति देव जी हैं और आज चले जाएंगे। तीज संपन्न हुआ, बहुत अच्छे से हम लोगों ने मनाया। खुशबू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक से बीत जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और नई सुबह की नई शुरुआत हमारा पकौड़ा और उपमा से हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और मॉर्निंग के बज रहे हैं, 5:30 हो रहा है। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक नया ब्लॉग लेकर। और अगर आपको किसी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है और इसमें बहुत प्रोसेस भी होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद करें। हो सके तो बेल आइकन को भी दबाइए कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, खूब अच्छे से हुई है, तो सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे हम लोग, अच्छा लग रहा है। बाय बाय, खुशी हैप्पी ब्लॉग की तरफ से आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई।